हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निक्की जैन। शॉर्टकट किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी, यमी, बिल्कुल सॉफ्ट, क्रंची, क्रिस्पी खिचिया का पापड़, यानी कि चावल का पापड़, जो बहुत ही आसानी से हम बना लेंगे और बहुत ही अच्छा। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये बनकर तैयार होता है, कितना अच्छा फूल रहा है, आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं इसकी रेसिपी। ये हम परफेक्ट नाप से बनाएंगे। यहाँ पर एक हमें बड़ा टोपिया लेना है। इसमें आप देख सकते हो मैंने इस तरह का 1 लीटर का पूरा बॉटल भर के पानी डाला है पहले। ये दूसरा बॉटल है। 1 किलो में हम 2 पूरा बॉटल और आधा ग्लास के करीब पानी डालेंगे। यहाँ पर मैंने आधा मुट्ठी जीरा डाला है। आप जीरा थोड़ा कम ही डालें, बहुत ज़्यादा ना डालें, नहीं तो पीला पीला पड़ जाएगा। इसे अब ढक कर हमें अच्छे से उबाल लेना है। हमें इतना उबालना है कि ये बिल्कुल मतलब खोलने लगे इस तरह का। उससे पहले हम इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पर मैंने 25 ग्राम खार ली है। 25 ग्राम नाप का खार है, ये हमने पानी में डाला। साथ साथ हमने 25 ग्राम नमक भी पानी में डाला। 2 बॉटल आधा ग्लास पानी है, 25-25 ग्राम खार और नमक है। यहाँ पर मैंने 1 किलो चावल का आटा लिया है। इसे आप अच्छे से छान ले, छानने से जो भी इसमें खराब कण होते हैं वो निकल जाते हैं। अब देखिए हमारा पानी कितना अच्छा खोल गया है, आप देख सकते हैं। अब ये जो हमने छान कर चावल का आटा रेडी किया है, इसमें हम ये पानी डालेंगे और 1 चम्मच से मिलाएंगे। आप देखिए इसमें हमें इस तरह से इसको मिला लेना है। ये परफेक्ट मैं आपको नाप के साथ बता रही हूँ। अगर आप इस मेज़रमेंट से बनाएंगे तो आपके खिचिया बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होंगे। ये देखिए इस तरह से ये खोलता हुआ पानी में हमें पूरे अच्छे से मिक्स कर लेना है चारों तरफ से। और यहाँ पर अब हमें जो एक पैन होता है, ढोकला वाला स्टैंड या पैन, इसमें देखिए इस तरह से हमें इसको भर लेना है। और ढोकला वाला स्टैंड में थोड़ा पानी डालकर थोड़ा सा ग्रीसिंग करके आप पैन में इसको भरें। देखिए इस तरह से भरकर हम इसे ढक देंगे। कम से कम इसे हमें आधा घंटा पकाना है। देखिए ये इस तरह का दिखने लगा, आप देख सकते हैं 15 मिनट बाद। अब हम इसको वापस से देखते हैं, आधा घंटा हो गया। वाओ परफेक्ट, आप देख सकते हैं कितना अच्छा बनकर ये तैयार हुआ है। इस जगह हम 10 मिनट इंतज़ार करेंगे थोड़ा सा इसका ठंडा होने का। और जो हमारे पास चावल वगैरह का बोरा होता है ना, इस तरह का कट्टा हमें चाहिए, प्लास्टिक वाला, आप देख सकते हैं इस तरह का। इसमें हमने थोड़ी सी घी तेल की ग्रीसिंग की है और फिर हम इसमें देखें इस तरह से इसको निकाल देंगे। ये सबसे ट्रेडिशनल वे है खिचिया बनाने का। तो अब इसको हमें देखें इस तरह से, मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से हमें इसे मिक्स करना है। तो 2 से 3 मिनट में ये पूरा मथ के रेडी हो जाएगा बेलने के लिए। देखिए इस तरह से कट्टे को हमें घुमाना है, इसे हम चावल का कट्टा भी बोलते हैं। देखिए हल्का सा हमने उसमें ऑयलिंग किया और कितना अच्छा ये मिक्स होके तैयार हो रहा है। आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर बनकर तैयार हो रहा है। जब ये 2 से 3 मिनट में पूरे अच्छे से मिक्स हो जाए ना, उसके बाद हमें इसके गोल गोल लोए बना लेने हैं, जो साइज़ के आपको बनाने हैं उस तरह के। ये देखिए इस तरह से ये रेडी हो गया, आप देख सकते हैं कितना अच्छा मिक्स होकर रेडी हो गया है। अब यहाँ पर हम लेंगे एक इस तरह का रोटी मेकर, या ये जो प्रेस करने वाला होता है, ये नहीं हो तो आप नॉर्मल रोटी बनाने वाले चकला बेलन पे भी इसको बना सकते हैं। एक हमें बराबर साइज़ का स्क्वायर 2 थैली को काट के लेना है, उसमें ग्रीसिंग कर लेनी ऑयल की, 1 लोया रखना है इस तरह से बीच में, और बस हमें इस तरह से इसको प्रेस करके दबा देना है। बहुत ही आसान है ये, बहुत ही अच्छे से बन जाता है। आप देखिए, नहीं हो तो आप नॉर्मल रोटी मेकर में भी बना सकते हैं, चकले बेलन से बना सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं आएगा। चकले पे रखकर भी आप इसको इस तरह से प्लास्टिक लगाकर अगर आप बेलन से बेलेंगे तो वो इसी तरह से बनेगा। ये अभी हल्का सा मोटा है, अगर आप चाहो तो थोड़ा पतला भी रख सकते हो, मोटा भी। देखिए थोड़ा सा मैंने इसको बड़ा और कर दिया है। अब कोई भी थाली या सिंथेटिक कपड़े में इस तरह से आप इसको ज़मीन में छाँव में सुखाएं, इसको डायरेक्ट धूप में ना सुखाएं, नहीं तो ये टूट जाता है। और हमने देखे सारे जो हमने बॉल्स बनाए थे, लोए बनाए थे, उसके हमने देखे इस तरह से बना लिया है। अब हम इसे पूरा इसी पे सूखने देंगे छाँव में ही। और सूखने के बाद देखे मैंने ये इकट्ठा कर लिया है, हमने इसे धूप नहीं लगाया, आप चाहो तो हल्का लगा सकते हो। तल के देखते हैं, तेल हमने गर्म किया है फ्रेंड्स, और देखिए हम इसको डाल रहे हैं। आप देखिए कितना अच्छा ये फूल कर बन रहा है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना अच्छा ये बनकर तैयार हुआ है। तो इतना क्रंची है कि खाने का मन कर रहा है। तो आप लोग इसको फ्रेंड्स ज़रूर से बनाकर ट्राई करें। इसे हम 1 से 2 साल तक स्टोर कर सकते हैं, कोई इसमें ख़राब नहीं होता। अच्छे से आप इसको स्टोर करके डब्बे में
रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय, सी यू सून।